सिर्फ किचन, ये है एक ब्रेकफास्ट एरिया जो 7 to 10 मॉर्निंग में एक्सेस मिलेगा, कॉमन एरिया, और ये हैं हमारे रूम्स जहाँ पे हम स्टे कर सकते हैं। थोड़ी देर में मैं रूम्स दिखाऊंगा। अभी मुझे मिला है 115 एक्सेस कंट्रोल लॉकेबल स्पेस, ये है डॉर्मेट्री के बेड्स। हॉस्टल का मेरा पहला एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं खाना भी दिखाना चाहता हूँ। ये ब्रेकफास्ट इन्होंने ऑफर किया है, और ये अंदर सिनेरियो है, नॉन अर्बन सिटी की फाइंडर्स। मेट्रो स्टेशन आ गया हूँ, जो मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है एटोमियम, वहाँ जाने की। हर मेट्रो स्टेशन पे एक थीम्ड डेकोर होता है, कुछ इसका स्पेसिफिक आर्ट हिस्ट्री जैसा एक। मैंने बताया था हर मेट्रो स्टेशन का अपना एक थीम होता है, देखिए बहुत ही कलरफुल। हमने अभी मेट्रो बना लिया, अब हमें शायद थीम और इसको बहुत ही सुंदर बनाने के लिए अगले 5-7 साल में हम शायद कर पाएंगे। बहुत अच्छे पहुंच गए, लिख रहा है कि जीपीएस बोल रहा है कि इट मे नॉट बी ओपन, लेट्स सी इट्स अ स्ट्रक्चर, यू कैन गो नियर, क्लिक अ फोटो एंड गो बैक ऑल्सो। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर और एक बड़े से ऑडिटोरियम जितना बड़ा एक स्ट्रक्चर है, और ये सब एक 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 एक, एक इनको आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट है, और ये बहुत ही सुंदर दिखने वाले आर्किटेक्चर्स बनाते हैं। इसके अंदर क्या है मैं जान नहीं पाऊँगा, क्योंकि 10 बजे ये खुलता है और मेरे पास टाइम कम है, मेरी फ़्लाइट के लिए मुझे भागना है। सो आई एम टेकिंग माई जर्नी बैक। ये भी मुझे इसके बारे में कुछ पता चला कि इसके अंदर म्यूज़ियम है, और ये जो पाइप्स हैं इसके अंदर स्टेयर्स हैं, मूविंग स्टेयर्स हैं, जिनके मदद से आप एक बॉल से दूसरे बॉल तक जा सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर को इतनी ब्यूटीफुली से ये ब्यूटीफुल ढंग से ये दिखाएंगे, ये कभी मैंने सोचा नहीं था, पर बहुत ही अच्छा सुंदर। मैंने फ़ोटो भी खिंचाई है जिसमें मैं एक बॉल को पकड़े हुआ हूँ, काफ़ी मज़ेदार। ऊपर बेल्जियम का झंडा है। अब मैं वापस यहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड को बहुत ध्यान रखा जाता है, और इसलिए यहाँ पे ब्रेल में भी लिखा हुआ है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप देख सकते हैं। मेट्रो स्टेशन बहुत सुंदर। मेरे कैमरा में मेमोरी ख़त्म होने को है, तो मेरा वीडियो भी ऑलमोस्ट एंड होने को है, एंड मेरा ट्रैवल भी लगभग 1.5 घंटे का फिल्म बन चुका है, जिसको एडिटिंग करके लगभग 1 घंटा 10 मिनट के आसपास मुझे लगता है कि यूज़फुल आ जाएगा।